आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीते 5 दिनों में घाटी में 4 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों के 5 जवानों ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन सब के बीच पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में कहां कहां हुए हैं और इनमें कितने आतंकवादियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 सितंबर को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। यहां हुए एनकाउंटर में राइफलमैन रवि कुमार ने वीरगति को प्राप्त की। रवि कुमार किश्तवाड़ा जिले के कालीगढ़ के रहने वाले थे। ये ऑपरेशन अनंतनाग के कोकरनाग में 13 सितंबर को शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। यहां कोकरनाग के पहाड़ी क्षेत्र में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में 4 सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अनंतनाग में सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, कंपनी कमांडर मेजर आशीष दौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट बुधवार को शहीद हो गए। वहीं एनकाउंटर के दौरान लापता हुए एक जवान का शव शुक्रवार को मिला। अनंतनाग में आतंकवादियों की निगरानी के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। एक अन्य ऑपरेशन में 12 सितंबर को सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल ने बारामूला के हंजी बेलावाला में पायनियर कॉलेज के पास IED डिफ्यूज किया था। इसके बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार 16 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर पुलिस ने बताया है कि बारामूला जिले के सीमावर्ती इलाके हथलंका के उड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह मुठभेड़ छिड़ गई थी। एक तरफ जहां भारतीय सेना घाटी से आतंकवादियों को साफ करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी खुद चाहती है कि इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसीलिए लगातार आतंकी अटैक्स हो रहे हैं। आगे और भी बड़े लगातार कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी आर्मी खुद चाहती है कि इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। दरअसल पाकिस्तान में फिलहाल केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई फुल सरकार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को मार्शल लॉ लगाने में आसानी होगी। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इस बात का बहाना बनाकर पाकिस्तानी आर्मी बड़ी आसानी से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी पर पिछले कुछ हफ्तों में बड़े अटैक्स हुए हैं। चित्राल में पाक आर्मी का हेडक्वार्टर TTP के कब्जे में है, साथ ही तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी में लड़ाई चरम पर है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।